नमस्कार दोस्तों, जब बात देश की होती है या यूं कहें इंडियन फोर्सेस की, तो हमारी भावनाएं खुद ब खुद अपने आप ही जुड़ जाती हैं। जहां एक तरफ एकता कपूर सरीखे कुछ लोग अपने फायदे के लिए सेना की वर्दी तक का अपमान करने में एक बार भी नहीं सोचते, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी प्रोजेक्ट को इतने दिल से करते हैं कि जिन्हें देख कर सैल्यूट करने का मन करता है। दोस्तों, आज बात हो रही है साउथ के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर अद्वी शेष सर की। दोस्तों, पिछले ही दिनों मेजर फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है और इससे कुछ टाइम पहले ही अद्वी शेष सर का लुक टेस्ट भी जारी हुआ था। ये फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की लाइफ पर बेस्ड होने वाली है। अब सवाल ये है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है और आज मैं सबसे पहले इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सवाल पर आने से पहले जान लेते हैं कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी हैं कौन। वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, अशोक चक्र विजेता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने ऑपरेशन विजय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनकी बहादुरी को देखते हुए सन 2003 में इन्हें कैप्टन और सन 2005 में इन्हें मेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। आगे चलकर सन 2006 में इनको NSG कमांडो सर्विस के लिए सेलेक्ट किया गया। 26/11 के हमले में ये 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के कमांडर थे। इन्होंने 10 कमांडो के साथ होटल में एंट्री ली और सीढ़ियों के सहारे छठवीं मंजिल तक पहुंच गए। इन्होंने पाया कि तीसरी मंजिल पर कुछ हॉस्टेजेस हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ा गया। इसी दौरान कमांडो सुनील घायल हो गए। इन्होंने उनके जाने का प्रबंध किया और पूरी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़े। ये लगातार आतंकियों को लघेत रहे थे और इनकी डर से आतंकी दूसरी मंजिल में भाग गए और काफी सारी हॉस्टेजेस की जान बची। हालांकि इसी फायरिंग के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः शहीद हुए। दोस्तों, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की लाइफ पर अद्वी शेष सर फिल्म ला रहे हैं। यूं तो हमारे देश में इससे पहले भी जवानों के लाइफ पर फिल्म बनाई जा चुकी हैं। इस फिल्म में क्या स्पेशल है? स्पेशल है अद्वी शेष सर का डेडिकेशन। आम तौर पर होता यह है, जब कोई बायोपिक फिल्म बनाई जाती है तो सबसे लास्ट में फिल्म के हीरो को फाइनलाइज किया जाता है। इस फिल्म में अंतर यही है, अद्वी शेष सर ने खुद अपने आप को इस रोल के लिए ढूंढा है और उसके बाद इस फिल्म की कहानी पर काम किया गया है। दोस्तों, अद्वी शेष सर इस फिल्म को इमोशनली कनेक्ट होकर बना रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया हो कि ये फिल्म मैं करूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये पिछले 10 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और फिल्म शुरू करने से पहले इन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के माता पिता को कन्विंस किया है। शुरुआत में इनके माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई हैदराबाद का लड़का जो कि USA में पला बड़ा है, वो पिछले 10 सालों से उनके बेटे की लाइफ पर रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, शुरुआत में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के पिता को लगता था कि कोई भी फिल्में दिल से नहीं बनाता है और ये सब फिल्मों को पैसा कमाने के लिए ही बनाते हैं। अद्वी शेष सर कई बार उनके पिता से मिले और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि वे इस फिल्म के साथ कितना इमोशनली कनेक्ट हैं। यहीं कोई चौथी मीटिंग के बाद उनके पिता ने अद्वी शेष सर से कहा कि उन्हें 10% लगता है कि तुम इस फिल्म को दिल से बना रहे हो। दोस्तों, अद्वी शेष सर ने कुछ हद तक उनके पिता को कन्विंस कर लिया था। दोस्तों, लुक टेस्ट के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की मां ने अद्वी शेष सर को ये कहा कि एकदम मेरे बेटे की तरह लग रहे हो। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिखाई जा रही है, वो फोटो है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की और ये रहा अद्वी शेष सर का लुक टेस्ट। दोस्तों, एक रोल करने के लिए इतना डेडिकेशन, एक वीडियो अद्वी शेष सर पर तो बनता ही है। दोस्तों, अद्वी शेष सर सन 2002 से फिल्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको बड़ी सफलता हाथ लगी SS राजामौली की मूवी बाहुबली द बिगनिंग से, जिसमें ये भल्लाल देव के बेटे भद्र के रोल में नजर आए थे। फिल्म में ये निगेटिव रोल में थे, लेकिन इसके बाद इनको अच्छी अच्छी फिल्में ऑफर होने लगी। इनकी मूवी इंटेलिजेंट खिलाड़ी को नॉर्थ में काफी ज्यादा पसंद किया गया है और इस मूवी को यूट्यूब पर अब तक 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वैसे इनका असली नाम है अद्वी शेष सनी चंद्रा। इनका जन्म 17 दिसंबर साल 1985 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम है चंद्रा अद्वी, वहीं इनकी माँ का नाम है भवानी अद्वी। दोस्तों, इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है श्रीले अद्वी। दोस्तों, इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। हैदराबाद में जन्मे अद्वी शेष का ज्यादातर समय बर्कले कैलिफोर्निया में बीता। इनकी स्कूलिंग बर्कले हाई स्कूल से हुई, इसके बाद इन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। दोस्तों, इनके कजन साई किरण अद्वी एक डायरेक्टर हैं जो कि आनंद और हैप्पी डेज जैसी फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने ही अद्वी शेष को कर्मा मूवी में ब्रेक दिया। हालांकि 2002 में अद्वी शेष सोनथा मूवी में एक छोटे से रोल में नजर आ चुके थे। दोस्तों, अद्वी शेष एक अच्छे एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और गजब के राइटर भी हैं। कर्मा फिल्म की कहानी इन्होंने ही लिखी थी और ये हमेशा से ही कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं। ये सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में अद्वी शेष की काफी तारीफ हुई।
इसके बाद ये पवन कल्याण की मूवी पंजा और रवि तेजा की मूवी बलुपू में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। दोस्तों, लीड रोल ना मिलने की वजह से अद्वी शेष सर ने किस फिल्म की कहानी खुद लिखी, खुद इस फिल्म के हीरो बने और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद ये फिर से सर्वानंद की मूवी रन राजा रन में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। इसके बाद इनकी मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इनको SS राजामौली ने बाहुबली फिल्म में काफी पहले ही साइन कर लिया था। उस समय इनको लगा नहीं था कि फिल्म में इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल होगा। दोस्तों, राणा डुग्गुबत्ती के बेटे के रोल में इनको काफी ज्यादा पसंद किया गया और इनको शुरुआती सफलता हाथ लगने लगी। इसके बाद ये डोंगाता फिल्म में बतौर लीड हीरो नजर आए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद ये अनुष्का शेट्टी की मूवी साइज जीरो में सपोर्टिंग रोल में भी नजर आए। 2016 में इनकी मूवी छड़म रिलीज हुई, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी। 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी अद्वी शेष सर ने ही लिखी थी। ये नागा अर्जुन की मूवी ओपरी में सपोर्टिंग रोल में भी नजर आए। इसके बाद ये अमी तुमी फिल्म में लीड हीरो के तौर पर नजर आए। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2018 में ये स्पाई फिल्म गुड़ाचारी में नजर आए। इस फिल्म की कहानी को भी अद्वी शेष सर ने ही लिखा था। 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म को इंटेलिजेंट खिलाड़ी के नाम से YouTube पर रिलीज किया गया है, जिसको अब तक 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। 2019 में ये क्राइम थ्रिलर फिल्म इवारू में नजर आए। 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 21 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और इस फिल्म के हिंदी वर्जन का लोग आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में ये मेजर फिल्म में नजर आएंगे, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को महेश बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा ये गुड़ाचारी 2 में भी नजर आएंगे। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की, तो मैं आपको बता दूं, ये फिलहाल अभी सिंगल हैं और पूरी तरह से अपने कैरियर पर फोकस किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये रहा अद्वी शेष सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने अद्वी शेष सर की फैमिली, बायोग्राफी और उनके फिल्मी सफर को भी कवर किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।